आऊं आखिरकार तुम आज मिली गए गन्ना चूसते हुए। मैं कम से कम एक महीने से परेशान हूँ, मेरी गन्ने की ईख में से लगातार गन्ने कम होते जा रहे थे। समझी में नहीं आ रहा था आखिरकार गन्ने कौन तोड़ कर ले जाता है और चूसता है, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें आज गन्ने को चूसते हुए देख ही लिया। तुम ही गन्ना तोड़ कर लायो मेरी ईख में से। देखो मोदी जी, एक बात साफ साफ बता दूं आपको मैं, ये जो मेरे हाथ में गन्ना है ये मैं बराबर वाले गाँव से मनोहर लाल खट्टर जी की ईख से तोड़ कर लाया हूँ। उसी को लाकर यहाँ पर बैठ कर आराम से चूस रहा हूँ। आप इसे अपनी ईख का गन्ना मत समझो। राहुल, इतना तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये मेरे गन्ने की खेत की यानी के ईख का ही गन्ना है। योगी जी, आप कैसे मुस्कुरा रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? मोदी जी, मैं क्या बताऊँ, मैं तो ये बबूल की टहनी तोड़ कर लाया हूँ और उसी से दातुन कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो ये राहुल गन्ना चूस रहा था, मुझे ये पता थोड़ी है ये किसके ईख का गन्ना है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर ये तुम्हारे ईख से गन्ना तोड़ कर लाता है तो बहुत गलत करता है। योगी जी, क्या बताऊँ, ये गन्ना तो मेरी ईख का है। वो तो ये राहुल कह रहा है कि मैं मनोहर लाल खट्टर जी की ईख से तोड़ के लाया हूँ। अखिलेश, तुम कैसे चुप हो? ये बताओ मोदी जी, जब कोई पक्का सबूत नहीं है कि जो आपकी ईख का ही गन्ना है तो इसमें मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? मैं तो चुपचाप लालू जी के ये जो खेत में वाटर पंप के पानी के लिए ये जो चारों तरफ से दीवार बनी हुई है इसी पे बैठा हुआ हूँ। मोदी जी, बेफालतू में आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ये बराबर वाले गांव से मनोहर लाल खट्टर जी के ईख से तोड़ कर लाया हूँ और उनसे पूछ कर लाया हूँ, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ईख का गन्ना समझ रहे हैं, ये आपकी ईख से गन्ना कोई और तोड़ कर ले जाता है। मोदी जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हारी गन्ने की ईख में से मैंने कई बार बराबर वाले गांव के लोगों को चुपके से गन्ना तोड़ कर ले जाते देखा है। तो नानू जी, आज तक आपने बताया क्यों नहीं? ऐसा है, गन्ना लेने के लिए मना नहीं है, कम से कम कोई भी गन्ना ले तो मुझसे पूछ के ले, कम से कम मुझे पता तो चले कि मेरी ईख से जो गन्ना ले रहा है मैं खुद दे रहा हूँ। और ऐसे कोई चुपके से तोड़ के ले जाता है और गन्ने को चूसता है तो बड़ा दुख होता है। और महिलाओं को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और लालू जी, अखिलेश, बहुत दिन बाद आपका आना हुआ। मैंने तो कभी नहीं सोचा था लालू जी कि आप मुझसे मिलने के लिए आओगे, क्योंकि आप शहर में जाकर बहुत अमीर आदमी बन गए और मैं गांव में सिर्फ एक बीघा खेती करके गुजारा करता हूँ। हालांकि अपना लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और अपनी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी झोपड़ी में मुझसे मिलने आओगे। मोदी जी, कैसी बात करते हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बात कहकर आप अपनी मित्रता को अपमानित कर रहे हो। अरे अगर मैं शहर में जाकर ज्यादा कमाने लगा, बहुत अमीर आदमी बन गया, तो अपनी मित्रता खत्म थोड़ी हो जाएगी। मैंने सोचा तुम तो कभी शहर में मिलने के लिए मुझसे आओगे ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी पे खुद मिलने चला आया। तो लालू जी, बाहर क्यों बैठी हो, अंदर जाके खटिया पे बैठो। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो, मुझे यहीं नीचे बैठ जाने दो। आपको मालूम होना चाहिए हम भी तो गांव में रहे हुए हैं। गांव में आपके साथ हमने इसी धरती से पूरा बचपन काटा है। आपकी और मेरी मित्रता के मैंने सुना है लोग आज भी किस्से सुनाते हैं। देखो, राहुल का घनिष्ठ मित्र अखिलेश भी उससे मिलने के लिए आया। अखिलेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अंदर जाके बैठते हैं, खाट पर बैठते हैं। राहुल भैया, मुझे आपके साथ बैठ जाने दो, मुझे आपके साथ बैठकर स्कूल के मुझे बचपन के दिन याद आ गए। अखिलेश, तुम तो शहर में जाके बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन तुम्हें बचपन के वो दिन याद है जब अपना दोनों लोग मिलकर केजरीवाल जी के आम के पेड़ से आम तोड़कर चुपके से खाते थे। राहुल, पुराने दिन याद करने के लिए तो पूरा दिन है, आज लालू जी को और अखिलेश को जाने थोड़ी देंगे। झोपड़ी में जाके जलपान का इंतजाम करो, जलपान पिलाओ इन दोनों को। मैं भी खेत पर काम करने जाने वाला था, अब खेत पर काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। राहुल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ घड़े का ठंडा पानी ले आओ, घड़े का ठंडा पानी पीकर ही हमें मजा आ जाएगा। मोदी जी, आपको अपने बचपन के पोते याद है जो अपना दोनों लोग राजनाथ सिंह जी की बेरी के पेड़ तोड़ते थे? मोदी जी, कभी कभी मुझे लगता है शहर से सब कुछ बेचकर आपके साथ यहीं पे गांव में आके बस जाऊं। नहीं लालू जी, तुम्हारा शहर में इतना बड़ा बिजनेस है तो वहीं पे अपना काम करते रहो। मोदी जी, शहर में काम तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है, सुकून तो मुझे आपके पास आकर ही मिला। मैं शहर को छोड़कर आपके यहाँ झोपड़ी में ही रहूंगा, रखोगे मुझे अपने साथ? अरे लालू जी, कैसी बात करती हो, जब चाहे जब तुम आ सकती हो, तुम्हारे लिए मेरी झोपड़ी के द्वार हर टाइम खुले हुए हैं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मायावती जी, आपकी 10 रुपए की पानी पूरी हो गई, आपने 5 गोलगप्पे खा लिए इसलिए 10 रुपए के हो गए, और खिलाऊं? सोनिया जी, एक बात बताओ, मायावती जी को ही खिलाती रहोगी, हम भी तो कितनी देर से खड़े हुए हैं। लो, मैं तो हाथ में पैसे लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप मुझे गोलगप्पे खिला ही नहीं रही हो,
मायावती जी को ही खिला रही हो। बस लालू जी, मैंने 10 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, 10 रुपए के और खा लूं, क्योंकि इन सोनिया जी का आज का खट्टा पानी बहुत अच्छा है। 10 रुपए के गोलगप्पे और खिला दो सोनिया जी। पता नहीं क्या बात है, जब मैं आपके पास पानी पूरी खाने के लिए आती हूँ, ऐसा लगता है खाते ही रहो खाते ही रहो। बहन मायावती जी, अभी तो आपने 10 रुपए की पानी पूरी खाई है और 10 रुपए की और खा रही हो। हमसे पूछो, मैं बैठे बैठे कम से कम 100 रुपए की पानी पूरी खा चुका हूँ। अभी सोनिया जी की सफलता का यही तो राज है, इनकी पानी पूरी बहुत ही अच्छी होती है। जो एक बार खाता है वो बार बार मांगता रहता है। सोनिया जी, आपकी पानी पूरी देख देख कर मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, मुझे खिला रही हो या मैं वापस जाऊँ? आप बहन मायावती जी को, मोदी जी को, अखिलेश को और योगी जी को खिलाए जा रही हो, जबकि मैं कितनी देर से हाथ में पैसे लिए खड़ा हुआ हूँ। लालू जी, सबको मैं नंबर से खिलाती हूँ, हाथ में पैसे लेने से कुछ नहीं होता है। आप मुझे पैसे मत दिखाओ, ये जो इतने लोग मुझसे पानी पूरी खा रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ी खाएंगे, ये भी तो पैसे देकर जाएंगे। ये सब लोग पहले के आए हुए हैं, अब जब तक मैं इन्हें खिला नहीं दूंगी तब तक तुम्हें थोड़ी खिलाऊंगी। लेकिन सोनिया जी, ये कब तक खाएंगे? ये तो खाना छोड़ ही नहीं रहे। मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, कितनी देर तक खाओगे पानी पूरी? क्या बताऊं लालू जी, आज की पानी पूरी तो सोनिया जी की सब दिन से अच्छी है। ऐसा लग रहा है साइकिल पर जितनी भी पानी पूरी है अकेले मैं ही खा जाऊं। लेकिन क्या करूं, जेब को भी देखना पड़ता है, जेब में इतने पैसे आए नहीं। लालू जी, मेरे जेब में पैसे खत्म होने वाले हैं, मैं तो खा चुका, मैं उठने वाला हूँ, मेरी जगह पर आकर बैठ जाओ, यहीं पर बेंच पर आकर बैठ जाओ, यहीं पे पानी पूरी खा लो। बस अखिलेश, आज तो बड़ा जल्दी छक गए, मतलब बहुत जल्दी तुम्हारा पेट भर गया। कल तो तुमने 200 रुपए की पानी पूरी खाई थी सोनिया जी के पास से। लेकिन सोनिया जी, आपकी इस पानी पूरी की सफलता को देखकर ममता दीदी ने भी पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी पानी पूरी लोग ज्यादा खा नहीं रहे। ये बताओ मोदी जी, मैंने भी ममता दीदी की एक दिन पानी पूरी खाई थी, उनकी पानी पूरी में इतना ज्यादा टेस्ट था ही नहीं जो सोनिया जी की पानी पूरी में होता है, इसीलिए उन्हें इतनी सफलता नहीं मिलेगी। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।